गाजियाबाद के एसएसपी दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने वहां पहुंचकर बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। गाजियाबाद के एसएसपी दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने वहां पहुंचकर बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और जब पुलिस उसकी बताई जगह पर पहुंची तो वहां पर वाकई उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। मामला गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके का है। पुलिस ने आरोपी पति सद्दाम को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि सद्दाम अपनी पत्नी पर शक किया करता था और जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या करने जैसे खौफनाक कदम उठाया था। बीते गुरुवार को सद्दाम अपनी पत्नी को इलाके में सुनसान जगह पर लेकर पहुंचा और जहां उसने किसी भारी वस्तु से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और लाश को ट्रॉनिका सिटी इलाके में झाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद वह एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपना गुनाह कबूल करने लगा, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। मामले में आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। एसपी देहात की इराज राजा के अनुसार मृतक पत्नी की उम्र करीब 28 वर्ष है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। वहीं पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि कहीं सद्दाम के साथ कोई अन्य शख्स ने भी तो उसकी पत्नी की हत्या में उसका साथ नहीं दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस कठोर कार्यवाही करेगी। आज दिन में एसएसपी ऑफिस में शिकायत प्रकोष्ठ में आकर एक व्यक्ति जिसका नाम सद्दाम है, 32 वर्ष उसकी उम्र है, थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि उसने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 28 वर्ष है उसको किसी भारी वस्तु से उसके सिर पे वार करके उसकी हत्या कर दी है और उसका शव एक स्थान पर थाना क्षेत्र में ही डाल दिया है। उस बात को वेरीफाई करते हुए थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने उसकी पत्नी के शव को बरामद कर लिया है और उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब इसमें एग्जैक्ट कारणों की इसमें जांच की जा रही है कि किन किन कारणों से उसने ये कृत्य किया एवं इसके अलावा और कोई अन्य व्यक्ति भी इस कृत्य में उसके साथ शामिल रहा, इसकी भी हम गहनता से पड़ताल करेंगे और बाकी मुकदमा पंजीकृत करके हम कठोर कार्रवाई जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग करेंगे।